हिंदू धर्म में करवा चौथ का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को विधिवत तरीके से रखती हैं। नवविवाहितों के लिए यह व्रत काफी खास होता है। इस साल आप भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो पूजा सामग्री के बारे में जरा आप अच्छे से जान लें, जिसके बाद आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि पूजा सामग्री में यदि ये चीज़ें नहीं हुई तो आप कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी पूजा अधूरी रह गई, जिसके बाद आप पूजा करते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। आइए जानते हैं करवा चौथ की थाली में क्या क्या होना चाहिए और कैसे आपकी करवा चौथ संपूर्ण सामग्री के साथ पूरी हो जाए। करवा चौथ की सामग्री: मिट्टी, पीतल या तांबे का करवा, करवा चौथ की सामग्री रखने के लिए थाली, करवा ढकने के लिए ढक्कन या कटोरी, करवा चौथ की थाली, करवा व्रत की पुस्तक, 5 या 7 सीख, फूल, कच्चा दूध, माला, छलनी, पान, कलश, चंदन, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, पीसी हुई चीनी, रोली, कुमकुम, मौली, अक्षत, 8 पूरियों की अठावरी, बिछिया या पायल, आटा की लोई, थोड़ी सी चावल, घी का दीपक, अगरबत्ती या फिर धूपबत्ती, ये आपको होना चाहिए आपकी करवा चौथ जब आप पूजा करें। अब जान लेते हैं कि थाली में और क्या क्या सामग्री आपके पास श्रृंगार की होनी चाहिए। तो 16 श्रृंगार की सामग्री में अलता यानी कि महावर, सिंदूर, मेहंदी, बिंदिया, काजल, कंघा, बिछिया, मंगलसूत्र, चूड़ी, गजरा, मांगटीका, कमरबंद, कानों के झुमके आदि आप रख सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर थाली, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो करवा चौथ की थाली में महिलाएं सामग्री रखकर पति को देखने के साथ चंद्रमा को अर्घ देती हैं, इसलिए ये थाली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें कोई भी चीज़ यदि मिस हो जाती है तो मन को लगता है कि ये चीज़ होनी थी तो शायद और ज़्यादा अच्छा होता, इसलिए मन के वहम को ना रखें। इसलिए थाली में करवा के अलावा आप छलनी, मिट्टी या आटे से बना दीपक, सिंदूर, पानी का लोटा, छलनी, मिट्टी की 5 डेलियां और कांस की तीलियां आप ज़रूर रखें और कुछ मीठा भी आप इसमें ज़रूर शामिल करें। सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत निजला व्रत रखते हुए शाम को शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा और कथा सुनती हैं, फिर रात को चंद्रमा के निकलने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात को चांद के दर्शन और पूजन के बाद समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय चांद निकलेगा। करवा चौथ का चांद का समय दिल्ली में जो समय है वो है 7:53 और नोएडा में 7:52, वहीं चंडीगढ़ में 7:48 और ये मैं आपको बता रही हूँ शाम के समय का, और लुधियाना में 7:52, अमृतसर में 7:55 और शिमला में 7:47 पर। सेम ऐसा ही मेरठ में 7:51 पर, आगरा में 7:53 पर, पटना में 7:29 पर, देहरादून में 7:24 पर और जयपुर में 8:03 पर, मुंबई में 8:36 पर, बेंगलुरु में 8:30, रांची में 7:33 पर, लखनऊ में 7:42 पर, बनारस में 7:38 पर, कानपुर में 7:47 पर, प्रयागराज में 7:42 पर। अब जान लेते हैं क्या है इसकी पूजा विधि। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी के साथ की जाती है। सरगी में सास अपनी बहू को खाने के लिए भोजन देती है। इसके बाद महिलाएं भगवान की पूजा करके निजला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं और शाम के समय एक मिट्टी के वेदी पर सभी देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। इसके बाद एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर, घी इत्यादि सब चीज़ें रखी जाती हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया अभी, और इस दौरान करवा चौथ की कथा भी सुनी जाती है। इसके बाद महिलाएँ व्रत में चंद्रमा को अर्घ देती हैं, फिर अपने पति के साथ पानी पीकर ये व्रत को खोलती हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।